अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तीन चार दिन से व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप देख सकते हैं मेरा फेस अभी भी स्वेल है। मुझे बहुत शदीद टूथहैक हुआ हुआ है और अभी शुक्र अल्लाह का काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। एतराज़ भी बीमार है तो फिर नहीं मैं टाइम दे सकी, नहीं बना सकी व्लॉग, लेकिन आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज का व्लॉग है बहुत स्पेशल क्योंकि आज आ रही है मेरी सिस्टर इन लॉ और हम सारी प्रेप करने लगे हैं, तो वो साथ साथ आपको दिखाएंगे। तो हमारे व्लॉग में आप लोगों को दोबारा से वेलकम और जितनी भी प्रेप्स हैं वो आप साथ साथ देखते रहें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको प्रीवियस क्लिप्स दिखाती हूँ जिसमें मेरे दांत में बहुत शदीद तकलीफ थी और मैं जो डॉक्टर के पास गई थी ताकि आप लोगों को मेरा बैकग्राउंड पता चल सके कि भी मुझे मसला क्या हुआ था, जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज किए थे। डॉक्टर ने एनेस्थीसिया लगाया हुआ है जिस वजह से ये साइड स्वेल है पूरी। अभी मैं जा रही हूँ घर और हालत बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर है। सारी सेटिंग वगैरह हो गई है और यहाँ पे किचन में बन रहा है खाना सारा। जी मैं बना रही हूँ बिरयानी, चाउमीन और कीमाल। भी कट गई है सिम से और बहुत खून निकल रहा है। सर मुझे बर्फ लगा रहे क्योंकि मेरा खून रुकता नहीं होता, बहुत ज्यादा निकलता है। जब भी बहुत ज्यादा खुश होता है ना तो कुछ ना कुछ उल्टा हो ही जाता है। आज बहुत सारे काम थे हमारे करने के और ये भी किन्जा ने कुकिंग में एक ये चाउमीन बना दिए थे और कीमा बना लिया था। उसके अलावा ये वाले सारे काम आज सुबह ही हमने किए हैं और एक चीज़ अभी और कुक हो रही है, उसमें अभी टाइम है। कितना टाइम है उसमें? बस 10 मिनट। और आपने अपनी फिंगर भी कटवा ली है, वो होते रहते हैं। फ्रिज भी देख लेते हैं कि ये सारी प्रिपरेशन माशाल्लाह किंजा ने अभी सुबह ही सारी की हैं और बस गेस्ट का वेट हो रहा है, उनके आने में भी टाइम है। और यहाँ से भी चीज़ें सारी कंप्लीट है, बस एक आखिरी चीज़ रह गई है सिर्फ कुक होने। हाँ जी इंशाल्लाह, बस फिर हमारे गेस्ट आ जाएंगे और फिर हम खाते हैं खाना। किधर जा रहे हैं? कम है वो पके पूजे तुम ना लास बीजी का ये मामा पुटी शो सब सब होनी सा वो तैयार से सब और तो तैयार से खाता है बीजी वाला जीओ बात कर लो कैपेसिटी दे दो डेफिनेट बात अच्छा इसको मैंने कह रहा बच्चों के ये डियोर पे देखे ना, आउटफिटर्स पे देखे। उन्होंने केवल लिप केवल कार अभी स्टार्ट किया, एक टाइम मेरे लिए निकाल के रखना, हम कर दू जाएंगे। ओके डन हो गया, डन हो गया। बाय 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 बाय, इतना मजा आया यार। टाइम थोड़ा बाय बाय। यार ये हमारे E11 की ना पता नहीं इन्होंने स्ट्रीट लाइट्स क्यों बंद की हुई हैं।
कि जी सीन कुछ ये है कि मैं दो दिन से जिम नहीं आई थी, तो अब मैं जा रही हूँ घर, तो घर जाके मिलती हूँ आपसे। पता नहीं क्या सीन है ना, सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं और कुछ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि रात का टाइम है 11 बज रहे, तो इस टाइम पे ना फिर रात को बाहर निकलना मुनासिब नहीं होता जी। तो फाइनली मैं लिफ्ट में हूँ, लाइट्स वगैरह ख़राब होती है ना, तो फिर बंदे को ऐसे ही डर पड़ा रहता है ना कि सब ठीक हो या ये, मैं ब्लॉगिंग भी कर रही होती हूँ तो डर ही लगा रहता है कि कोई मोबाइल मेरे हाथ से छीन ले। अच्छा जी, तो ये आज का दिन बहुत बिजी था तो इसी के साथ करते हैं हम आज का ब्लॉग खत्म, और मैं अब देखूंगी आराम से बैठ के टीवी पर मूवी, और आप लोग भी एंजॉय करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग तक, बाय।